एक सर्वेंट दूसरा बंटी नाम का लड़का, वो ऑफिस आया तो उसने मेरे लड़के को कॉल किया कि भैया यहाँ दरवाज़ा खुला हुआ है और वो नहीं है, और पासबुक और पेपर वगैरह बिखरे पड़े हैं। मेरा जो अंदर का ऑफिस का पर्सनल रूम था, तो उसके बाद हम घर से जैसे यहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि सारा सामान अंदर के कमरे का स्वस्थ पड़ा हुआ है। और फिर मैंने आधे घंटे के बाद पुलिस को फ़ोन किया सारा चेक करने के बाद, तो पुलिस 2 घंटे के आसपास पुलिस या उसके बाद आया। और जैसे हमने सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखी, उसमें सारे क्लियर आया कि 1:40 या 45 मिनट के आसपास मेरा सर्वेंट जो भारत साई नाम का 2 महीने पहले मैंने रखा था, उसने आकर के रात को दोनों बाहर के लॉक खोले जो ये दरवाज़ा है मेरा, और खोल करके और अंदर आके उसने वाईफाई के कैमरे के तार निकाले और DVR निकालने की कोशिश करी लेकिन निकाल नहीं सका। उसके बाद वो यहाँ से निकल गया, कुछ सामान लेके आया था अपने साथ औजार छुपा करके, वो भी उसने यहीं पे मैट के नीचे छुपा दिया। उसके बाद 3 या 4 मिनट के बाद जाने के उसके जाने के बाद 2 आदमी और उसके एक एक मिनट के अंतराल के बाद 1 आदमी और जो मेरे ऑफिस में अंदर आए। आने के बाद उन्होंने सारी चीज़ों का मुआयना किया, किचन में गए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह फ्रिज से निकाल के पिया, सारा सीसीटीवी कुछ में क्लियर ही एकदम क्लियर ही आ रहा है। और कैमरे का एंगल लिया एक कैमरे का और सारी जगह देखने के बाद फिर वो फ़ोन पे भी बात किए बाहर 2-3 बार पूछने के लिए, और फिर वो कुछ सामान ऐसा लेके आए थे जिसने मेरा ये जो रूम है उसको उन्होंने कम से कम 10-15-20 मिनट के बाद उसको तोड़ने में कामयाब हुए। और तोड़ करके अंदर जा करके मेरे यहाँ पे जो पैसे रखे हुए थे, एक काला बैग है मेरा, और उसमें भर करके वहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस सारी क्लियर फुटेज है और पुलिस को हमने सारे एविडेंस और जो चीज़ें, फोरेंसिक टीम आई उन्होंने भी अपने ये फिंगरप्रिंट वगैरह उठाए और FIR पुलिस ने कर ली है। लेकिन पुलिस की जो चाल है दिल बहुत धीमी, और मतलब एक तरह से देखा जाए तो आज 1 हफ्ता से ऊपर हो गया है लेकिन कोई भी कामयाबी अभी तक उन्हें पकड़ने में नहीं हुई है। बिल्कुल, हम मेन रोड के पास आप पैसे तो पुलिस को जो हमने अपने बयान में बताया 15 लाख रुपए, लेकिन लगभग 16.5 लाख रुपए के आसपास होंगे मेरा ऐसा मानना है। और कई जगह से आए थे, कुछ प्लॉट की पेमेंट थी, कुछ उधारी के पैसे थे, तो हम यहाँ छोड़ जाया करते थे इस वजह से क्योंकि ये प्रोटेक्ट लोग मानते थे हम, लेकिन अपना आदमी ऐसा करेगा। लेकिन यहाँ अब जिस प्रकार से क्राइम बढ़ रहा है, हमें नहीं लगता है कि कुछ भी चीज़ सुरक्षित है किसी भी तरीके से। आगे से हम वैसे कोशिश करेंगे इस तरह से पैसे ना रखें, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के पुलिस के आला अधिकारियों से ये इंतजा है कि इसमें संज्ञान ले। और जो मेरा भारत साई और उसके जो 2-3 और जो उसके साथी थे उन्हें पकड़े। और अभी तक क्या कार्रवाई लग रहा है आपको, कि पुलिस कुछ कर पा रही है या नहीं? पुलिस जाते हैं 2-3 बार, मैं SHO साहब से भी मिला, एक दो जगह से मैंने फ़ोन भी कराए, तो कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ किसी प्रकार से कोई आगे कार्रवाई बढ़ती दिख रही है। सफलता नहीं मिली।